हेलो यार गाइज, मेरा नाम है प्रतीक सोनी एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस व्लॉग में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे एक जगह को जिसका नाम है केदारखो। तो सैटरडे को हमारा एकदम से प्लान बना यहाँ जाने का और आज हम यहाँ के लिए निकल रहे हैं। यार ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और ये एक ट्रैक व्लॉग होने वाला है, तो पूरा एंजॉय करिएगा आप इस व्लॉग को। और हम लोग निकलते हैं केदारखो के लिए। तो यार मैं निकल चुका हूँ घर से और अभी टाइम हो रहा है 5:45 और बस 5 मिनट में मैं हमारे मीटिंग पॉइंट पर पहुँच जाऊँगा और 6 बजे हम लोग निकलेंगे केदारखो के लिए। तो फटाफट से चलते हैं मीटिंग पॉइंट पर। तो यहाँ हम हमारे डिसाइडेड टाइम पर नहीं निकल पाए और क्योंकि हमारे दो साथी आधा घंटा लेट हो गए थे आने में, जिस कारण हमारा जो सनराइज वाला सीन था वो मिस हो गया और सनराइज हमको रोड पर ही दिख गया जो हमको पहाड़ों से देखना था। तो यहाँ से हम लोगों ने पैदल जाना डिसाइड किया क्योंकि गाड़ियाँ आगे नहीं जा पा रही थी। तीन लोगों को बैठा के यहाँ से आगे ले जाना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। और ये देखो एक गाड़ी यहाँ पे फंस गई थी तो इसे निकाला गया और तब जाके आगे जा पाई है। छोटे छोटे ये जो पत्थरों वाला रास्ता रहता है ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक्टिवा स्कूटी वगैरह थी हमारे पास और थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था यहाँ से ले जाना। यहाँ का सीन बताता हूँ मैं, बहुत सही सीन है देखो। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं ये एक नदी है जो बारिश के टाइम जो वहाँ पे वाटरफॉल होता है ना, वहाँ पे एक झरना है उसका पानी यहाँ पे आता है तो उससे ये नदी बनी है। और अभी पानी इतना नहीं है तो ये नदी सूखी हुई है और ये आगे से पानी यहाँ पे आता है, मतलब आगे आगे जो पहाड़ है वहाँ से यहाँ पे पानी आता है। जो सनराइज व्यू हमें पहाड़ों पर से देखना था वो हमें यहाँ रास्ते पर से ही दिख रहा था, तो थोड़ा बुरा लग रहा था लेट होने का। और जो हमारे दो बंदे लेट हुए थे वो फटाफट आगे गाड़ी लेके चले गए और आगे हमारा वेट कर रहे हैं। तो चलते हैं उनके पास और फिर वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक्चुअल ट्रैक। गाड़ियाँ यहाँ पर लगा दी थी, मतलब जो हमारे आगे निकल गए थे उन लोगों ने गाड़ियाँ यहाँ पर लगा दी थी और अब हम लोग हमारे हाफ डिस्टेंस पर आ गए हैं। तो थोड़ी सी आगे है हमारी जो फाइनल लोकेशन है केदारखो, जहाँ पर मेनली हम जाने वाले हैं वो थोड़ी सी आगे है। फटाफट चलते हैं और देखते हैं उस जगह को। Thank you.
हम लोग पहुंच गए थे केदार खो, जो एक्चुअल जगह है, और ये एक एक्चुअल पिकनिक स्पॉट है। आप यहाँ पे आके में पिकनिक वगैरह कर सकते हैं, खाना वगैरह यहाँ पे आप रेडी कर सकते हैं। तो ये है कुछ नज़ारा वहाँ का, और ये सामने जो दिख रहा है ये हनुमान मंदिर, और एक नंबर यहाँ पे वॉल आर्ट किया गया है, और जिसने बनाया है उसने यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम हैंडल लिखा हुआ है। बाकी मैं ये देखना भूल गया प्रॉपरली, इसमें वीडियो में दिख रहा होगा आपको, मैं देख लूँगा, अगर ये होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ से देखते खिड़की में से मंदिर के अंदर का सीन, तो यार नेचुरल लाइट है तो अंधेरा है, तो ये हनुमान जी स्थापित है यहाँ पे, और देखते हैं आगे और क्या क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर ना एक सुरंग है जो कि देवास से जाती थी उज्जैन, जाती थी इन द सेंस, मैं इसमें उतरा नहीं हूँ, फ़ोन से ही दिखाता हूँ, और मेरे दोस्त लोग गए थे तो उन्होंने बताया कि इसको मतलब यूँ गवर्नमेंट ने हर एक सुरंग बंद कर दी है, और ये आगे से ढही हुई है, मतलब ज़्यादा आगे नहीं है। ये हनुमान जी के मंदिर का अंदर का सीन है, और नेचुरल लाइट है, कोई बल्ब वगैरह नहीं है, तो जो भी है यही है, और बस ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है, छोटा सा रूम है जिसमें हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है, और यहाँ पर एक पंडित जी पूजा वगैरह करते थे, साधु महाराज जो होते हैं। और ये रास्ते से हम लोग यहाँ पर आए थे, ये जो आपको दिख रहा है ना आगे रास्ता, ये रास्ते से यहाँ पे, जैसा मैंने आपको बताया पिकनिक स्पॉट है, तो लोग बाग यहाँ पे अपना कचरा छोड़ गए हैं, तो यार ये बात गलत है, आप अगर कहीं घूमने जाए तो अपना कचरा लेके जाए, ठीक है। अब ये जो है ये इस कारण से इसको केदार को बोलते हैं क्योंकि खाई में है शिवलिंग, ठीक है। अभी इस पे हर महीने मतलब हर समय ये झरने का पानी गिरता रहता है, ये छोटा झरना हर समय चलता ही रहता है। तो अब यहाँ पे नीचे चल के देख लेते हैं शिवलिंग के पास भी। अब जैसा कि मैंने बताया ये एक नीचे खाई है, और ये शिवलिंग वगैरह ऊपर स्थापित है यहाँ पर। वैसे जब बारिश रहती है तो ये पूरा पानी भरा जाता है, क्योंकि झरना अपने एकदम बड़े रूप में फ्लो होता है, और पानी ज़्यादा होता है यहाँ पे, तो ये शिवलिंग पे हमेशा ये झरने का पानी गिरता रहता है, मतलब गर्मी में भी ये झरना इसी तरह चलता रहता है, और बारिश में ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यार अब हम केदार खो से निकल गए हैं, मतलब उस एरिया में ही है, बाकी उस स्पेसिफिक प्लेस से हम लोग निकल गए हैं और दूसरे पहाड़ पर जा रहे हैं, और वहाँ पर हम लोग अब आगे का प्लान करते हैं क्या होगा। और यहाँ से हम लोगों ने चढ़ाई शुरू करी, मतलब एक्चुअल जो हमारी ट्रैकिंग वगैरह हुई वो यहाँ से हुई थी। तो यार जो एक्चुअल ट्रैकिंग बोलेंगे ना वो हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि सूखी घास के पहाड़ों पे चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर आप स्पोर्ट शूज़ पहन के आ रहे हो। अब एक तो क्या यहाँ पे कांटे खूब थे, तो छोटे छोटे कांटे थे तो जूतों के अंदर घुस तो गए थे लेकिन निकल नहीं पा रहे थे, तो हमको चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे थे ये। तो यार यहाँ तक चढ़ते चढ़ते हम लोगों की हालत ऐसी हो गई थी कि हम लोगों को सोचना पड़ा कि आगे जाएं या नहीं जाएं, लेकिन यार वो एक चुल मची रहती है ना, वो हमें आगे तक ले गई, और आप जैसा कि देख सकते हैं ये लोग इतने नीचे थे, और वो जो मैं बता रहा हूँ उस पॉइंट से हम लोग ट्रैकिंग करते हुए आ रहे हैं। आधा रास्ता हम लोगों ने भले ही ग्राउंड पे पैदल चला है, लेकिन वो किसी खतरनाक एक्सपीरियंस से कम नहीं था। तो
यार दिस वॉज द प्लेस जहाँ से हम लोगों को सनराइज देखना था, ये हमारा सनराइज पॉइंट था, यहाँ पे हम लोगों को आकर सनराइज एंजॉय करना था, और थोड़ा सा लेट होने के कारण हम ने वो मिस कर दिया है। बाकी हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे फाइनली, तो इतनी खुशी हो रही थी। अब यार आ तो गए थे, तो जो अब जूतों में या कपड़ों में जो कांटे वगैरह घुसे थे, अब हम वो बैठ के निकाल रहे थे, तो ये आप देख सकते घास के छोटे छोटे पीसेस जो थे वो मेरे जूतों में घुस गए थे। और जैसा आप देख सकते मेरे जूतों में आगे फोम टाइप का कपड़ा है, तो उस कारण वो जो छोटे छोटे पीसेस थे वो निकले भी नहीं थे। तो अब ना यार यहाँ पे आगे जा कितना सही सीन था, क्योंकि एक इतना प्यारा तालाब हमको दिख गया था, लेकिन टाइम इश्यूज के कारण हम लोग वहाँ नहीं जा पाए, और हम लोगों ने यहीं पर रेस्ट लिया और टी ब्रेक लेकर गेम वगैरह खेले हम लोगों ने यहाँ पे। आगे बताएंगे सब, सो एंजॉय करते रहिए आप व्लॉग को। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक टी ब्रेक लिया है, और यहाँ पर हम लोग चाय पी रहे हैं बिस्किट वगैरह के साथ। और यहाँ पे मतलब अब ये हमारा फाइनल रेस्ट पॉइंट था। अब सब बैठ के अपने जूतों में से और कपड़ों में से जो कांटे वगैरह लगे हैं या जो घास के टुकड़े लगे हैं वो निकाल रहे हैं। तो टी ब्रेक के बाद हम लोगों ने यहाँ गेम खेलने का डिसाइड किया था, अभी बताते हैं आपको। यहाँ पे हम लोग खेल रहे थे माफिया गेम, जो कि कार्ड से खेला जाता है, और अमंगस आप ऑनलाइन खेलते हैं, ये ऑफलाइन अमंगस आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें इम्पोस्टर के रूप में माफिया रहते हैं, और एक पुलिसमैन रहता है, एक डॉक्टर रहता है, बाकी विलेजर्स रहते हैं, जैसे अमंगस में क्रूमेट्स रहते हैं। इसमें पुलिस वाला प्रिडिक्ट करता है कि कौन माफिया है, और जैसे अमंगस में वोटिंग होती है वैसे इसमें भी बाद में वोटिंग होती है, और फिर जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे इजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसमें माफिया के लिए जो किंग के कार्ड होते हैं, और डॉक्टर के लिए क्वीन का कार्ड होता है, एक डॉक्टर रहता है, एक पुलिसमैन रहता है जिसके लिए जोकर का कार्ड यूज़ होता है, और नंबर कार्ड्स जो है वो विलेजर्स को स्पेसिफाई करता है। तो इस मोमेंट पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं मेरा ट्राइपॉड लाना भूल गया हूँ, और तब इस कारण मैं ये जो गेमिंग का हमारा सीन था ये शूट नहीं कर पाया हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। अब हम लोगों ने यहाँ पे पैकिंग करना स्टार्ट कर दी थी, तो हम यहाँ से निकलेंगे, फटाफट से हमारा सामान पैक करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। अब यार यहाँ पे ना एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि उतरना इतना ज़्यादा इजी नहीं था, तो मैं आगे का शूट भी नहीं कर पाया हूँ उस कारण, और मुझे फ़ोन का कैमरे को बंद करके उसको जेब में रखना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे खुद को ही नहीं संभाल पा रहा था कोई, तो फ़ोन को क्या ही संभालता। उतरते हैं फिर भी जैसे तैसे करके, एक तो इतने ऊपर चढ़ तो गए थे हम मज़े मज़े में, उतरने में लग गया।